सरकारी हॉस्पिटल भी लबालब भरे हुए थे, तभी वहाँ मिस्टर पेलू आता है और नर्स से अपने बच्चों का पता पूछता है और फटाफट आईसीयू में पहुँच जाता है। टेंशन के मारे वही 502 की बीड़ी फूंकने लगता है, तभी उसे बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है और नर्स उसका छोटा पेलू लाती है। नर्स भी बताती है कि मुबारक हो, आपको मारुति की एल्टो 800 हुई है, जिसे सुनकर मिस्टर पेलू भी खुशी के मारे नाचने लगता है। इसकी भैंस की आँख ये तो मिस्टर पेलू की सस्ती कॉपी थी और मिस्टर पेलू उसे मस्त कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल पिलाकर बड़ा करता है। तभी मिस्टर पेलू को पता चलता है कि उनका लौंडा तो लैम्बोर्गिनी गाड़ी का फैन है और वह एक रेसिंग कार बनना चाहता है, पर पेलू उसे मना कर देता है कि नहीं, तुम एक टैक्सी कैब हो, जिसे वह नाराज हो जाता है। इसकी भैंस का पकौड़ा वह तो फरारी का सस्ता इंजन बनाने लगता है। तभी मिस्टर पेलू को भी लगता है कि उसकी आइटम जरूर लैम्बोर्गिनी के शोरूम जाती होगी, तभी वह आता है। उसका पूरा हुलिया देखकर तो मिस्टर पेलू के होश उड़ जाते हैं और वह उसकी दुकान उठाकर उसे पेलने लगता है।